हाय गाइस, आज हम गुरसिंह महादेव आए हैं। ये नाहन से लगभग अराउंड 40 किलोमीटर्स है और यहाँ काफ़ी मतलब जो ये मंदिर है इसको लोग यहाँ बहुत मानते हैं और यहाँ पे मतलब कि बहुत लोग बहुत सारी जगह से आते हैं। आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे अभी भी लोग दर्शन करके आ रहे हैं वापस। आज जो मौसम है वो बहुत सही है। ये चीड़ के पेड़ हैं और यहाँ का जो ट्रैक है वो कुछ इस तरीके से है। तो अभी ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कैसा मंदिर है और क्या कुछ है और कैसे वहाँ पे मतलब कि दर्शन वगैरह करते हैं और कैसे वहाँ पे मतलब कहाँ पर देवता वगैरह जो हैं वो नाचता है वहाँ पे। बेसिकली वहाँ पे एक पत्थर है बहुत बड़ा और उसके दूसरी तरफ खाई है। तो बेसिकली वहाँ पर जो पंडित है उसके अंदर वो देवता आते हैं और वो जो देवता हैं वो वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं लोगों को। पहले यहाँ पे गर्ल्स वगैरह अलाउड नहीं थी बट अब यहाँ पर मतलब आ जाते हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, यू नो मॉडर्न हो रहा है ज़माना, तो उसके हिसाब से मतलब गर्ल्स वगैरह भी आती रहती हैं और यहाँ पे मतलब एक तरह से पिकनिक स्पॉट टाइप बना दिया है। वैसे ये एक तरह से धाम टाइप है, टेम्पल है बहुत फेमस। और अभी आपको हम बीच सफ़र में दिखाते हैं हाउ इट फील्स लाइक राइट। काम अभी आधा ही किलोमीटर चले, 2-1 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे ट्रैक है वो कुछ इस तरीके से है, वो चीड़ के पत्ते टाइप यहाँ पे गिरे हुए हैं। और मैंने थोड़ी गलती कर दी है, थोड़ा बैग थोड़ा हैवी है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ट्राई टू कम विदाउट एनी लगेज या फिर आओ तो फिर कहीं रख दो, ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और चलते आगे। रास्ते में 2-4 पानी के पीने के लिए वो बंकर टाइप से बनाए हुए हैं तो वहाँ पर भी आप पानी पी सकते हो। और यहाँ पे जैसे आग वगैरह लगी हुई होती है तो ये जलते हैं, अपने आप बुझ जाता है। बट यहाँ वेदर बहुत सही रहता है, मतलब थकावट फील नहीं होती। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रिप देख रहे हो जो मतलब आप 2 या 4 घंटे में कवर करना चाहो तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं है, बड़ा लंबा ट्रैक नहीं है। हाँ थोड़ा स्टिफ ज़रूर है बट चलने के लिए मतलब ठीक रहता है। अब यहाँ से 100-200 सीढ़ियाँ कुछ ऐसे करके है, बस इसको क्रॉस करके मंदिर आ जाएगा। और यहाँ से नीचे का जो व्यू दिखता है, यहाँ से नाहन स्नाहा और नीचे का पूरा व्यू दिखता है। अभी जैसे बारिश होएगी ना तो वेदर थोड़ा खुलेगा तो और सुंदर लगेगा। बस फिलहाल अभी ये 100-200 सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद हम ऊपर पहुँच जाएंगे, फिर ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ टेंपल का। बस अगर आप वहाँ देख पा रहे हैं जहाँ पे वो लोग हैं वहाँ तक जाना है, वो मंदिर है। और यहाँ पर भी शिव जी की मूर्ति है जो कि बहुत सुंदर लग रही है, आप देखोगे अगर वहाँ पर। तो यहाँ से नीचे का जो व्यू है वो पूरा सराहा का है। और अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा थक गया। 2-1 किलोमीटर का ही ट्रैक है, 1.5 हम चल चुके हैं, बस आधा रह गया। बस अब ऊपर जाके आपको मंदिर दिखाते हैं और वो पर्वत दिखाते हैं जहाँ पर जो पुजारी है ना, जो वहाँ पर वो एक एक्चुअली स्लांटिंग में एक पत्थर है जिसपे मक्खन वगैरह डालते हैं और उस पर पुजारी वो डांस करता है। डांस तो क्या करता है उसमें, मतलब वो जो भगवान वगैरह करते हैं ना तांडव टाइप, वो करता है। और अभी वहाँ ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बट यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, अगर आप वो देख पा रहे हो लगता है यहाँ पे बैठ के आप ऐसे चिल करते हो कि बस हर हर महादेव। अभी हम मंदिर के बिल्कुल टॉप पे पहुँचे हैं और यहाँ से जो व्यू आ रहा है और जो मौसम है ना इस टाइम, बिल्कुल इतना सुंदर लग रहा है कि बस बिल्कुल चिल होने का मन करता है। जितना आराम से यहाँ से ऊपर एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से आप यहाँ से गेट खोल के मंदिर के दर्शन कर सकते हो। अगर आप गाड़ी वगैरह लाना चाहते हो तो आप गाड़ी वगैरह भी ला सकते हो, वहाँ से आती है। बट जो ये ट्रैक है ना, जो मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ, बेसिकली इतना सा रह जाता है लास्ट में, तो इस पर चलते हुए ऐसा फील आता है ना, मतलब वो ट्रैक वाली जो फीलिंग है वो वाली आती है। तो आप अगर ट्रैक करना पसंद करते हो तो आप इजीली इस वाले से आओ। और अगर आपको थोड़ा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है और आप मतलब अगर आप पंजाब हरियाणा से हो तो आप बाई व्हीकल आ सकते हो उस साइड से, वहाँ से गाड़ी ऊपर तक आती है। बट हम हिमाचली हम कहीं पर भी चढ़ जाते हैं तो इधर से आएंगे तो ज़्यादा फील आएगा। बट अगर थोड़ा पेट इशू है या फिर कोई भी हार्ट वगैरह इशू है तो आप वहाँ से गाड़ी वगैरह ला सकते हो। अभी मंदिर में पहुँचे,
अभी मंदिर पे जाके ऊपर दर्शन करेंगे, दिखाता हूँ वहाँ पे वो स्पॉट है जो कि बहुत फेमस है। एक्चुअली वो ये मंदिर है और यहाँ पर वो नीचे शिला है जहाँ पर जो पंडित है वहाँ पर डांस वगैरह करता है। डांस तो नहीं बोल सकते उसको, एक्चुअली वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, तांडव टाइप करता और फिर यहाँ से कहते हैं वो जंप मार देता है और शाम को घर वगैरह में मिलता। बट उसके अपार्ट ये तो खैर सारी सुपरस्टिशंस हैं, बट यहाँ पर जो व्यू है वो बहुत सही है। एक बार आप गो थ्रू करोगे तो वो बहुत सही लगता है। शाम के टाइम यहाँ का मौसम जो है वो बहुत सुंदर रहता है। संडे के टाइम पे थोड़ा भीड़ रहता है बट ऑफ वीकेंड यहाँ पे सही रहता है।